देश की सियासत के लिए आज का दिन अहम है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के 7 क्षेत्रीय दल, जिनमें तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल के बीच मुकाबला है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के अलावा महाराष्ट्र की अंधेरी, पूर्व हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनगोड़े, उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ और उड़ीसा की धामनगर के चुनाव परिणामों पर देश की नजर रहेगी। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। 7 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2, जबकि शिवसेना और राजद के पास 1-1 सीट थी। छह राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां पर आज मतगणना हो रही है।